फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ, चाहे वो सफ़ेद बाल हो, ग्रे हेयर हो, या फिर झड़ते बाल हो, या फिर दो मुहे बाल हो, इन सारी प्रॉब्लम्स की एक ही सॉल्यूशन लेके आई हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आजकल ज़्यादातर बालों की प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि बालों का गिरना, बालों का बहुत ज़्यादा पतले हो जाना, या फिर जो ग्रोथ है वो बंद हो जाना, या फिर सफ़ेद हो जाना। सो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एक होममेड रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि है कलौंजी ऑयल। यस, पहले तो मैंने बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करके इसकी ऑयल बनाई है, लेकिन आज ये सिर्फ कलौंजी ही है और इसका ऑयल बनाएंगे, जो कि बहुत ही नेचुरल होगी और घर में बना हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, ये खास करके वो लोगों के लिए अच्छी है ज़्यादा, जिनकी हेयर फॉल होती है, और ये हेयर फॉल को फाइट करती है, साथ ही ये हेयर की ग्रोथ यानी रीग्रोथ कराती है, और उसमें जो इस इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होते हैं ये बालों को नरिश करती है और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करती है। इससे क्या होता है कि हेयर फॉल जो है कम होती है और ये हेयर ग्रोथ कराती है। सो फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेटली बालों के लिए अच्छी है, साथ ही ये जो ग्रे हो जाते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो ये उससे भी बचाती है, एंटी ग्रे है ये, और इससे आप डेंड्रफ से भी छुटकारा पा सकते हैं अगर आप उसे रोज की बेसिस पर, डेली बेसिस पर मसाज करते हैं अपने बालों में। सो करंजी ऑयल जो है, यानी ब्लैक सीड ऑयल जो है, बालों की गिरना यानी झड़ना बंद करती है, साथ ही ग्रे बालों को, सफ़ेद बालों को फिर से रिवर्स करती है, इससे अगर मालिश होती है रोज़ाना, और साथ ही जो है बालों की रीग्रोथ बढ़ाती है। सो इसलिए मैंने लिया है कोकोनट ऑयल लगभग हाफ कटोरी, और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कलौंजी यानी कलाजीरा। सो फ्रेंड्स, ये जो है जितनी ऑयल है उस हिसाब से लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में उसे बना सकते हैं। सो उसे मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट तक उसे कुक कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम में, और ये आपको दिख रहा होगा ये अभी भी जो है बॉयल हो रही है, और उसे हम ठंडा होने देंगे, और फिर उसको कोई भी अच्छी जो है ग्लास कंटेनर हो या फिर प्लास्टिक कंटेनर हो उसमें ऐड कर देंगे, और उसे हमें छनना नहीं है, बस काला जीरा को उसमें रहने ही देना है और उसी के साथ उसे स्टोर कर लेना है, और उसे वीकली 3 to 4 times मिनिमम उसे अपने बालों में मसाज करें, और फिर आप चाहें तो उसे सिर्फ 2 घंटा लगाकर भी बालों को धो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे नाइट में अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करके, जेंटली मसाज करके अपने बालों में रात भर रहने देंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर आप चाहें तो उसे बालों को धो सकते हैं कोई भी अच्छी वाली शैम्पू से, तो ये डेफिनेटली आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी, और फिर से आपके बाल जो है बढ़ने लगेंगे, और बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, साथ ही बालों की जो ग्रेपन है, सफ़ेदपन है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और साथ ही आपके बाल एकदम हेल्दी बनेंगे और लाइट मतलब शाइनियर और सिल्की बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।